हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 करने। गिवन है क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन x प्लस टू अपॉन अंडर रूट फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स है। जितना जब इसको सॉल्व करना है तो पहले यहाँ पर देखिए जो दिया गया है इसको, तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कैसे लेट करेंगे। तो यहाँ पर हम ये करेंगे, यहाँ पर तो प्लस है टू और माइनस टू, मतलब कि दो को घटाएंगे और जोड़ भी देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस टू, उसके बाद प्लस है टू माइनस टू, उसके बाद नीचे है फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद अंडर रूट इंटीग्रेशन डीएक्स है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने टू को, मतलब ये दोनों टर्म जो दिख रहा है ये हमने एक्स्ट्रा लिए। ठीक, ये दोनों टर्म इस दोनों को कैंसिल करेंगे तो फिर हमारा वही ओरिजिनल टर्म आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस वाला टर्म है इसके साथ ले लेंगे और इन दोनों को साथ में हम प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस है टू अपॉन, सॉरी, उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे टू टू को, तो प्लस हो जाएगा फोर हो जाएगा। उसके बाद फोर डिवाइड बाई अंडर रूट फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले में राइट कर देंगे, मतलब इसको अलग अलग हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ये वाला टर्म हम वन एक फ्रैक्शन में कर देंगे और इसको वन फ्रैक्शन में कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस है टू अपॉन, अब इसको भी कर देंगे डिवाइड बाई फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में इंटीग्रेशन डीएक्स है। यहाँ पर साइन प्लस का है तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन फोर बाई अंडर रूट फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर डीएक्स है। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। जब इसको हम लेट करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम टी लेट कर लेते हैं। ठीक, अगर हम इसको टी लेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो ये हमारा फोर कॉन्स्टेंट है और इनटू एक्स है, तो एक्स का हमारा वन होता है, तो यहाँ पर हमें फोर मिल जाएगा माइनस ये हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, इनटू डी एक्स है, उसके बाद इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में टू कॉमन है, टू को हम बाहर कर देंगे, तो ये बाहर हो गया, तो यहाँ पर टू माइनस एक्स बचा है, उसके बाद है डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक्स माइनस टू है तो हम क्या करेंगे, दोनों में से माइनस को ही कॉमन कर लेंगे, तो माइनस को कॉमन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, उसके बाद टू, यहाँ पर एक्स माइनस टू हो जाएगा, उसके बाद डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एक्स माइनस है टू डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू डी टी हो जाएगा। ठीक, ये टर्म हो गया, तो इसके प्लेस मतलब कि एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम राइट कर देते हैं, तो माइनस वन बाई टू ये कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं, बचा क्या है हमें वन अपॉन रूट टी टी बचा है। ठीक, उसके बाद डी टी प्लस, अब यहाँ पर देखिए जो टर्म दिख रहा है फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इस फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है होल स्क्वायर में। तो यहाँ पर देखिए जो गिवन है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक, तो आइडेंटिटी जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो एक्स दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, तो प्लस बी का वैल्यू दिया ही नहीं गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर टू ए का मान इससे अगर पता चलता है तो कितना है एक्स, उसके बाद बी का वैल्यू अब जाकर हमें पता चला है, जब इसमें हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला दोनों टर्म इससे मैच कर जाएगा। ठीक, तो यहाँ से टू, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू का स्क्वायर यहाँ पर प्लस कर देंगे और टू का स्क्वायर भी हम माइनस कर देंगे। ठीक, माइनस जो प्लस वाला पार्ट है, तो मतलब ये माइनस के स्पेक्ट में, तो ये माइनस में कर देते हैं, ये प्लस में कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम ये क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है जो अंडरलाइन ये है, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं और ये टू का स्क्वायर यहाँ पर हम अलग कर दिए, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस है टू स्क्वायर प्लस है टू इंटू एक्स इंटू टू है। अब इन तीनों में हम माइनस कॉमन कर लेंगे, जब माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस टू स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू। ठीक, अब ये हमारा क्या आइडेंटिटी बन गया इस फॉर्म में, मतलब एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, तो हम इसके प्लेस पर ये राइट कर सकते हैं टू स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये फोर कांस्टेंट है, फोर को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट टू स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, उसके बाद डी एक्स है। ठीक, अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इसको रेस कर देते हैं, जब इसको इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये मिलेगा हमें टू रूट टी मिलेगा। ठीक, तो माइनस वन बाई टू पहले से है, जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा टू रूट टी मिलेगा। ठीक, उसके बाद प्लस है यहां पर फोर, उसके बाद वन अपान, मतलब जो आइडेंटिटी होता है आइडेंटिटी इंटीग्रेशन वन अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। ठीक, तो एक्स के प्लेस पर अगर इसे कंपेयर करेंगे, एक्स के प्लेस पर एक्स माइनस टू है, ए के प्लेस पर टू है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स माइनस टू, तो यहाँ पर एक्स माइनस टू डिवाइड बाई ए होता है, तो हमें यहाँ पर टू कर देंगे, उसके बाद प्लस सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो टी की वैल्यू है उसको हम रिप्लेस कर देंगे फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से, और यहाँ से टू से टू कैंसिल हो गया, तो माइनस बचा है, उसके बाद इसका वैल्यू रखेंगे फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस है फोर साइन इनवर्स है एक्स माइनस टू होल डिवाइड बाई टू, उसके बाद प्लस। तो हमारा फाइनल आंसर है ये हुआ।